तो हाय गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इस बस पर। मैं शुजुद्दीन और आप लोग दिख रहे इस बस यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है रियलमी नार्जो 20 एंड नार्जो 30। ओके, इस डिवाइस के अंदर से गेम बैक हो जा रहा है, रीस्टार्ट हो जा रहा है। इसके लिए गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रियलमी नार्जो 20, नार्जो 30, नार्जो कोई भी सीरीज है तो गेम बैक हो जा रहा है। तो आप लोगों को गाइस क्या करना पड़ेगा, ओके तो फर्स्ट देखो वीडियो को, उसके बाद के सब लोग को जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। वीडियो शुरू करने के पहले अभी भी जितना सारा फिनगेज मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइंट नहीं हुआ, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, देख लीजिएगा गाइस, यह मेरा टेलीग्राम चैनल है। जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइंट हो लेना, क्योंकि फास्ट अपडेट यहाँ पर से मिल जाती है। और गाइस, एक ही सारी फ्रेंड को मिलता है। मोबाइल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लेकर मेरे साथ पर्सनली भी बात कर सकते हो। ऊपर देखो टाइटल लिखा है इस बात से, इसको ऊपर क्लिक करके यहाँ पर से हेल्प कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, मेरे साथ पर्सनली भी बात कर सकते हो। ओके, तो चले गए अभी दिखाने वाला कि इस प्रॉब्लम के लिए गए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। जहाँ पर से गेम खेलने का टाइम, हम लोगों को गेम जब भी कॉल भी इनकमिंग कॉल आता है, किसी डिवाइस के अंदर से कॉल बैक हो जाता है, किसी डिवाइस के अंदर से गेम बैक हो जाता है, उसके बाद फिर से रीस्टार्ट। पहले जैसे कि हम लोग फर्स्ट टाइम गेम जैसे ओपन कर रहा है ऐसा हो जाता है, और किसी डिवाइस के अंदर से फुल स्क्रीन हो जाता है। ओके, तो गाइस रियलमी नार्जो 20 जो भी डिवाइस हो गई, यहाँ पर से देखो जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए सब लोगों को क्या करना पड़ेगा और उसका सोल्यूशन क्या है। ओके, तो गाइस मैंने कई तरह वीडियो के अंदर बताया था कि कॉलिंग वर्सन के लिए हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो गाइस है ऐसा ही है, अच्छा है, सॉरी अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मोबाइल का सेटिंग के अंदर चले जाओ। देखो गाइस, फर्स्ट हम लोग जो रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो की सीरीज के तरफ से हम लोग कोई भी ये छोटा मोटा अपडेट वगैरह आया कि नहीं आया। ओके, तो उसके लिए हम लोग मोबाइल के सेटिंग के अंदर चले जाना होगा, यहाँ पर से ऐप मैनेजमेंट के अंदर चले जाना होगा, यहाँ पर से सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर चले जाना होगा। यहाँ पर से देखो फर्स्ट कोई भी अपडेट वगैरह नहीं आया कि नहीं आया। ओके, तो अपडेट आया तो अपडेट कर लीजिए। अपडेट आया गाइस, मेरा तो पहले ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन गाइस मेरा अभी ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ओके, तो गाइस आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है तो गाइस मेरा टेलीग्राम चैनल पर फास्ट चले जाओ। ओके, तो आप लोगों को डिवाइस के अंदर से गाइस देखने को मिलेगा गूगल डायलर पैड। ओके, गूगल डायलर पैड जिस डिवाइस के अंदर से गेम बैग हो जाएगा 100%। ओके, ब्लू कलर की। ओके, तो फर्स्ट आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ। टेलीग्राम चैनल पर आगे ऊपर टाइटल के ऊपर क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर से फाइल मैनेजर देखने को मिलेगा, फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करो, नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। ओके, तो एंड्रॉइड वर्सन ज़्यादातर रियलमी नार्जो 20, 30 जो भी है गाइस, सारी की सारी रियलमी 2.0 का अपडेट कम्प्लीट हो चुका है। इन सारी डिवाइस के अंदर से गाइस एंड्रॉइड वर्सन 11 हो चुका है। ओके, तो इस सारी डिवाइस के अंदर से गाइस कौन सी वर्सन यूज़ करना है, यहाँ पर से कॉन्टैक्ट वर्सन हम लोगों को गाइस चेंज करना पड़ेगा। जो गूगल का कॉन्टैक्ट वर्सन है उसको चेंज करके हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा, रियलमी ऑफिशियल का जो वर्सन है उस वर्सन को हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो वो वर्सन मैंने टेलीग्राम पर दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर से देखो वो वर्सन गाइस सब लोगों को यहाँ पर से टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो एंड्रॉइड 11 के लिए गाइस जो वर्सन है यूज़ करना होगा आप लोगों की, तो वो वर्सन ही दिखाने वाला हूँ यहाँ पर से, जो आप लोगों की बहुत ही अच्छा होने वाला है। ओके, यहाँ पर से मैंने अपडेट करके रखा है एंड्रॉइड 10 के लिए, एंड्रॉइड 11 के लिए भी अपडेट करके रखा है। ये वाला देख लीजिए कॉन्टैक्ट वर्सन 4.3.40 वर्सन। ओके, इस वर्सन को डाउनलोड कंप्लीट कर लीजिए। ओके, उसके बाद गाइस इसको क्या करना, इंस्टॉल कर लेना, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ओके, उसके बाद देखो आप लोगों की गाइस यहाँ पर से देखो एक बात सबको सजेस्ट करना है, प्ले स्टोर पर चले जाओ। गाइस देखो बहुत सारे फ्रेंड ऐसा करते हैं थर्ड पार्टी आप कॉलिंग वर्सन यूज़ करते हैं, तो थर्ड पार्टी कोई भी कॉलिंग वर्सन हम लोग को यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर से देखो फोन लिख कर सर्च करते तो यहाँ पर से बहुत सारा थर्ड पार्टी कॉलिंग वर्सन हम लोग को देखने को मिलेगा, जैसे कि ट्रू कलर, उसके बाद वगैरह वगैरह स्टाइलिश कुछ होता है डायलर पैड, जिसके लिए हम लोग को गेम बैग हो जाता है। ओके, तो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हम लोग को यूज़ नहीं करने। और गूगल की डायलर पैड है जो भी है, यहाँ पर से देखो ये जो गूगल की डायलर पैड है ना, इस आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस ये जो गूगल की डायलर पैड है, इसके वजह से गाइस हम लोग को गेम बैग हो जाता है। ओके, गूगल का डायलर पैड जिस डिवाइस के अंदर से है गेम बैग हो जाएगा, कॉल जब भी आएगा कॉल रिसीव होगा तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। ओके, इसलिए गाइस मेरा जो वर्सन है गाइस तो एंड्रॉइड 10 का वर्सन है, तो इसका जो वर्सन है गाइस सब लोग को यही कलर की डायलर पैड यूज़ करना है। यहाँ पर से देखो मेरा जो वर्सन है 3.6.15 वर्सन, ये वर्सन भी मैंने टेलीग्राम पर दे रखा है। ओके, तो गाइस ऐसे डायलर पैड आप लोगों को यूज़ करना है। ओके, तो मैंने जैसे कि बोला एंड्रॉइड 11 की जो वर्सन बताया था 4.3 कुछ है, उस वर्सन को गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा जैसे कि मैंने बताया था ये जो वर्सन है। ओके, तो गाइस यहाँ पर से कौन सी वर्सन दिखा, ये वाला 0.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 0
4.3.40 वर्जन। इस वर्जन का आप लोग डाउनलोड कंप्लीट कर लेना, उसके बाद चले जाना सेटिंग के अंदर। मोबाइल के सेटिंग के अंदर आने के साथ साथ गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐप मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर से डिफॉल्ट ऐप्स देखने को मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करने के साथ साथ गाइस यहाँ पर से देखो लोगों को मिलेगा आप लोगों की फ़ोन लिखा देखने को मिलेगा, वहाँ कॉन्टैक्ट लिखकर देखने को मिलेगा। ओके, कॉन्टैक्ट ही मिलेगा रियलमी या ओप्पो डिवाइस के अंदर से भी मिलेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करने के साथ ऐसे ही सिलेक्ट रहेगा आप लोगों की डिफॉल्ट वाला जो ऑप्शन जो गूगल की डायलर पैड है, उस डायलर पैड को आप लोग ऐसे शो करने वाले। आप लोग मेरा जो भाषण है मैंने जो डाउनलोड करने वाले उसको डाउनलोड कंप्लीट कर लेने के बाद आप लोग गाइस ऐसे सेटिंग के अंदर ऐसे सेट कर देना। ओके, उसके बाद इसको बैक कर दीजिए। बैक कर देने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर भी बैक कर दीजिए, ऐप लिस्ट के अंदर चले जाओ। उसको तो कन्वर्ट हो गया तो फिर भी और आप लोग गाइस यहाँ पर से एक काम कर लेना होगा, सर्च कर लेना फ़ोन लिखकर। ओके, फ़ोन लिखकर सर्च कर लीजिए, फोन आ गया गाइस। इसके ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पर से फोर स्टॉप देखने को मिलेगा। ओके, तो गाइस आप लोगों को डिवाइस के अंदर सिर्फ गूगल डायलर पैड की गाइस यहाँ पर अनइंस्टॉल बटन शो करेगा, तो अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल नहीं शो कर रहा तो गाइस ऐसा सेटिंग कम करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर फोर स्टॉप कर क्लिक करके फोर स्टॉप कर दीजिए। इसका मतलब ये यार काम नहीं करने वाला। ओके, जो डायलर पैड कन्वर्ट कर दीजिए वहाँ पर से, अभी गेम खेलोगे ट्राई करके देखो आप लोग ही काम बन जाएगा। और गाइस ये जो डायलर पैड बहुत सारा फ्रेंड ऐसे कमेंट कर रहा है कि ये डायलर पैड से कॉल नहीं जा रहा है, तो कॉल ऐसे जाएगा कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखो जब भी कॉल करो आप लोग गूगल डायलर पैड वहाँ पर से कॉल करो, ये गूगल डायलर पैड जो डिवाइस के यहाँ पर से कॉल करो। दोनों डायलर पैड यूज़ करो, एक ही मोबाइल पर रहने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी कॉल करो इस डायलर पैड से कॉल करो, आपका मोबाइल के अंदर से जो पहले से था उस डायलर पैड से कॉल करो, हमेशा के कॉल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो अभी बात किया जाएगी इस और एक ट्रिक है जिस डिवाइस के अंदर से ये ट्रिक गई ये जो दिखाया ज़्यादातर डिवाइस के अंदर से वर्क कर रहे तो आप लोग डिवाइस के अंदर से वर्क नहीं कर रहे। तो लास्ट जो ट्रिक है गई सब लोगों अपडेट की बात गई हमेशा की तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। ओके, तो अभी के लिए गई सब लोगों एक जो मोबाइल का सेटिंग ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर से देखो डायलर पैड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर से ऊपर दो डॉट दिखेगा, डॉट के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन पर चले जाओ। उसके बाद आप लोगों को चले जाना होगा ऑटो आंसर। ऑटो आंसर तब भी यूज़ करेगा गाइस आप लोगों जब भी हेडफोन एंड ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ करोगे, इसको ऑफ होगा, इसको ऑन करके ब्लूटूथ डिवाइस हेडफोन डिवाइस जब भी गेम खेलने का टाइम यूज़ करना पड़ेगा। उसके साथ साथ गाइस यहाँ पर से टाइमिंग है 10 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड जो भी है, यहाँ पर से हम लोग जब भी गेम खेलेगा गेम खेलने का टाइम हम लोग ये सेट कर देगा गाइस हम लोग, और बैग वगैरह नहीं होने वाला है। ट्राई करके देखो 100% ये वर्क करेगा, रियलमी कोई भी सीरीज हो कोई भी डिवाइस यूज़ करते हो। ओके, तो गाइस आज का इस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताओ, और कोई भी प्रॉब्लम हो मोबाइल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो और गाइस गेम स्पेस का अपडेट करना चाहते हो तो आप लोगों को चले जाना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर से बहुत सारा मैंने भाषण दे रखा है, कोई भी भाषण आप लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन गाइस एंड्रॉइड 10 के लिए एंड्रॉइड 11 के लिए अलग अलग भाषण है। ओके, तो यहाँ पर से एंड्रॉइड 10 का कोई भी भाषण यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर से देखो बहुत सारा भाषण आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर से गाइस अपडेट कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहना।